that. गुड मॉर्निंग, आज हिस्ट्री रिवीजन है क्वेश्चन के साथ, कुछ थ्योरी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आज रहेगा एंशिएंट से, जो प्रीवियस एग्जाम में यूपीएससी हुआ, बीपीएससी या अदर पीसीएस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अक्सर देखे गए हैं। इस चीज़ को हम लोग पहले प्लानिंग किए थे, थ्योरेटिकली अप्रोच से थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा उतना इंटरेस्टिंग हो नहीं पाएगा, लोग नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए मुझे लगा क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन ही आते हैं, ये सोच के क्वेश्चन से ही हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहे। नेक्स्ट, आज ज़्यादा नहीं होगा, कम ही टाइम होगा क्लास। पहले प्लानिंग था कि 3 घंटा क्लास कंटिन्यू होगा, लेकिन उतना लंबा क्लास नहीं चलेगा। क्वेश्चन वन है, प्रोटो हिस्टोरिक, जिसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कोरेस्पोंड्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइम ब्रैकेट। आद्य ऐतिहासिक काल का जो अवधि है, पीरियड, वो कौन सा है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3500 से 1750 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन ए। इसमें कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब किससे कितने 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 के बीच है, तो 3500 से 1750 बीसी के बीच लाई करता है। द फर्स्ट होमिनिड्स टू यूज टूल्स वेयर, उपकरण का उपयोग करने वाले पहले होमिनिड थे। द फर्स्ट होमिनिड्स टू यूज टूल्स वेयर होमो हैबिलिस, पहला जो उपकरण था यूज करने वाला वो था होमो हैबिलिस, ऑप्शन डी। टूल्स जो यूज करने वाला फर्स्ट होमिनिड्स, होमो हैबिलिस, ऑप्शन डी। व्हिच होमिनिड स्पीसीज इज सेड टू कंस्टिट्यूट द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस, किस होमिनिड प्रजातियों को वानर और मनुष्य के बीच विभाजन रेखा का गठन करने के लिए कहा जाता है? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ऑप्शन सी। कुमारी आरती, निधि सदा, काजल भारती, चंद्रा सिन्हा, राम जी, सुमन सिंह, किशन कुमार। नेक्स्ट, सोहन कल्चर इज अनोदर नेम फॉर, सोहन संस्कृति का दूसरा नाम है। पहले आप लोग तेजी से कमेंट कर देंगे तब मैं आंसर दूंगा। अशोक गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग।
लोअर पालियोलिथिक कल्चर, निम्न पुरापाषाण संस्कृति, सोहन संस्कृति दूसरा नाम है लोअर पालियोलिथिक कल्चर का। पालियोलिथिक एज जो है तीन तरह के होते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज, सेकेंड अपर पैलियोलिथिक एज, थर्ड आवाज नहीं आ रहा है। अब सबका अलग अलग, जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज में आपका हो गया वैली ऑफ सोहन इन पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में आ गया है, फिर कश्मीर एंड थार डेजर्ट, ये सब लोअर पैलियोलिथिक के एग्जाम्पल हैं, वेलन वैली इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, नर्मदा वैली, ये सारा लोअर पैलियोलिथिक एज का एग्जाम्पल है। खैर क्वेश्चन में आगे आते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सोहन संस्कृति लोअर पैलियोलिथिक एज। दी मिडल पैलियोलिथिक टूल असेंबली इन दी साउथर्न थार डेजर्ट इन नॉन एज, दक्षिणी थार रेगिस्तान में मध्य पुरापाषाण उपकरण किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? दक्षिणी थार रेगिस्तान में मध्य पुरापाषाण उपकरण लूनी डेजर्ट ट्रेडिशन, बी मैक्सिमम बोल रहे गलत है, लूनी ट्रेडिशन, थार डेजर्ट की चर्चा कर रहा है, थार है कहाँ, राजस्थान, और लूनी नदी भी वहीं फ्लो करती है, लूनी ट्रेडिशन ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट मेड द ट्रांजिशन फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक पॉसिबल? सुपर हैकर, निधि चेक बी, निधि का सही आंसर है। राहुल राज बोल रहे हिंदी भी बताइए, बाइलिंगुअल है, किसी किसी का नहीं दिया है, पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक, नियोलिथिक हुआ नव पाषाण, इसके लिए क्या होता है ग्रोइंग ग्रेन, ट्रांजिशन किसका हुआ ग्रोइंग ग्रेन। नेक्स्ट, मैक्सिमम लोग का सही आंसर है नेहा, सुपर हैकर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्री हरप्पन साइट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख पूर्व हरप्पा साइट है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रमुख पूर्व हरप्पा साइट, मेजर प्री हरप्पन साइट, मेहरगढ़ ऑप्शन सी सात का मैक्सिमम। हाँ शेक्सपियर जी का सही आंसर है, बाकी सभी लोग एक और ऊपर में सही दिए हैं, निधि का सही है। श्री राम प्रजापत जी बोल रहे हिंदी में मिलेगा सर क्वेश्चन, देखिए ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू, आप इंग्लिश में ही लगाइए, हिंदी जो जहां मुझे लगा कि करना चाहिए उसका मैंने हिंदी डाल दिया है। व्हिच वेयर दी अर्लीएस्ट सीरियल्स ग्रोन बाय मैन, ये सब क्वेश्चन जितने हैं सारे एकदम यूपीएससी स्टेट पीसीएस का ही क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान पूर्वक बनाइए, एज ए टेस्ट ही लीजिए इसको। अर्लीएस्ट सीरियल्स ग्रोन बाय मैन, मैन के द्वारा कौन सा उत्पादन किया गया, व्हीट एंड बार्ली ऑप्शन ए। शेक्सपियर, आरती, चंद्रा सिन्हा, नेहा, निधि, निधि का सब आंसर लगभग सही मैक्सिमम हो रहा है ऑप्शन ए।
मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वाज, पैलियोलिथिक पीपल का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? श्री राम प्रजापत का आंसर आ गया सुपर हैकर सदा एग्रीकल्चर। पैलियोलिथिक पीपल का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, कृषि। द फर्स्ट यूज टू व्हिच द व्हील वाज पुट अपीयर्स टू बी, सुपर हैकर, नो आइडिया। ड्रॉइंग ए कार्ट फर्स्ट यूज टू विच द व्हील वाज पुट अपीयर्स टू बी ड्रॉइंग अ कार्ट। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट प्रोड्यूस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ जैना इमेज दैट वेयर फाउंड एट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने बड़ी संख्या में जैन प्रतिमाओं का निर्माण किया जो कि डैश में पाई गई। जहां संभव है जो हिंदी हो बता वो हमने दे दिया हिंदी। नेहा का सही आंसर है कनकली टीला, जो कि कहां पाया गई, कनकली टीला। नेक्स्ट, द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ हरप्पन साइट्स सो फार एक्सवेटेड आर, अब तक की गई हरप्पा स्थलों की कुल अनुमानित संख्या है। श्री राम प्रजापत का सही आंसर है अप्रोक्स 2000, हरप्पा स्थलों की कुल अनुमानित संख्या है 2000। द स्कल्पचर दैट आर नोन एज द प्राइएस्ट किंग एंड ए डांसिंग गर्ल हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, जिन मूर्तियों को पुजारी राजा और नाचने वाली लड़की के लिए के रूप में जाना जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस साइट से खोजा गया। ये सब बीपीएससी में लगातार पूछा गया है। सौरभ सिंह जी का आंसर सही है, सिद्धांत प्रजापत का सही है। निधि नेहा सबका सही है। मोहन जोदारो ऑप्शन बी। The famous पशुपति सील found at मोहनजोदारो does not have the following animals impressed on it। मोहनजोदारो में पाए जाने वाले प्रसिद्ध पशुपति सील में निम्नलिखित जानवर नहीं है। कौन जानवर नहीं थे? उसमें चार जानवर थे, कौन एक नहीं है? निधि का एकदम सही है, हॉर्स नहीं है उसमें, ऑप्शन डी। टाइगर बफेलो राइनोसोरस थे। नेक्स्ट, एक कौन है वो कमेंट में अगर किन्हीं को पता है बताइए। एक और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ हरप्पन पॉटरी, निम्नलिखित में से कौन हरप्पा के बर्तन की सतह पर चित्रित नहीं किया गया था? एलिफेंट, बिल्कुल सही, निधि का बिल्कुल सही आंसर।
हरप्पा के बर्तन की सतह पर चित्रित नहीं किया गया गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवता, ऑप्शन ए। दी ब्रॉन्ज फिगरिंग्स दैट वेयर प्रोड्यूस्ड इन दी हरप्पन सिविलाइजेशन वेयर मेड थ्रू ए प्रोसेस नोन एज। हरप्पा सभ्यता में जिन कांस्य मूर्तियों का उत्पादन किया गया था उस प्रक्रिया का नाम क्या है? उसका नाम लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस प्रक्रिया का नाम, हड़प्पा सभ्यता में जिन कांस्य मूर्तियों का उत्पादन किया गया उस प्रक्रिया का नाम है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, लॉस्ट वैक्स प्रक्रिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वॉज नॉट यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हड़प्पन ज्वेलरी? हड़प्पन ज्वेलरी में कौन सा मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज नहीं किया जाता, नहीं किया गया? फेयेंस, ये होता है चिकनी मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन फेयेंस। गोल्ड, फेयेंस का भी किया गया, गोल्ड सिल्वर तीनों का किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज इल्डेड न्यूड मेल टॉर्सो? निम्नलिखित में से किस साइट पर नग्न पुरुष धर उत्पन्न हुआ है? यही क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। एटीन, हरप्पा के साइट पर नग्न पुरुष का धर मिला है, हरप्पा के साइट पर। ऑप्शन ए सौरभ सिंह का सही है, श्रीराम प्रजापत का सही है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स हैव इल्डेड द एविडेंस ऑफ ए न्यूड फीमेल फिगर? हरप्पा स्थल से नग्न महिला आकृति के प्रमाण मिले हैं। हरप्पा कौन स्थल से? श्री राम प्रजापत जी का आंसर सही है, मोहन जोदारो, मोहन जोदारो। ऑप्शन ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज द मोस्ट डिपिक्टेड ऑन द हरप्पन सील्स? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हरप्पा मुहरों पर सबसे अधिक चित्रित है? शेक्सपियर जी का सही आंसर, कुमारी आरती, डीके शर्मा, सौरभ सिंह। बुल, बैल का। ऑप्शन बी निधि का सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिपिक्टेड ऑन द हरप्पन सील्स? हरप्पा मुहरों पर चित्रित नहीं है, इससे पहले कौन है कौन नहीं है? एनिमल वर्ल्ड है, कंपोजिट क्रिएचर है, स्वास्तिक मोटिव भी है, लेकिन शिव एंड लक्ष्मी, शिवा लक्ष्मी नहीं है। हरप्पा मुहर पर शिव एंड लक्ष्मी का नहीं है। ऑप्शन ए राम जी आरती। हेथनोरा इज ए फेमस बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ? हेथनोरा की खोज किस कारण प्रसिद्ध है?
हथनोरा की खोज कौन सी के लिए फेमस है? विधि का सही है होमिनिड स्कुल कैप, होमिनिड स्कल कैप। नेक्स्ट, एक्यूवलियन इज ए टर्म दैट डिनोट्स ऑब्जेक्ट दैट आर एक्यूलियन टर्म किसको डिनोट करते हैं? सब गलत मार रहे हैं। प्रोटोहिस्ट बोले कि सब बीबी लगा दिए। हिस्टोरिकल ऑप्शन सी। वाइंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन रूलर्स डिपिक्ट द इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी? निम्नलिखित विदेशी शासकों में से कौन से सिक्के देवी लक्ष्मी की छवियों को दर्शाते हैं? एक्यूलियन, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। एक्यूलियन जो टर्म आया है वो प्री हिस्टोरिक के लिए आया है। प्री हिस्टोरिक ऑप्शन ए, प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक। कौन सिक्का देवी लक्ष्मी की छवि दर्शाता है? तो इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक ऑप्शन ए। श्री राम, निधि, चंद्रा सिन्हा, आरती, सदा, राम जी, सबका सही है। पैलियोग्राफी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, पैलियोग्राफी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ। एंशियंट राइटिंग ऑप्शन डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजोलिथिक हैबिटेशन साइट? निम्नलिखित में से कौन सा मेसोलिथिक बस्ती स्थल है? मेसोलिथिक बस्ती स्थल, निधि बोल रही है। मेसोलिथिक बस्ती स्थल कौन है? तिलवारा, यानी ऑप्शन सी, मेसोलिथिक बस्ती स्थल तिलवारा। Which of the following disciplines have helped in the study of the prehistory? Choose at least one answer. निम्नलिखित विषयों में से किसने प्रागैतिहास के अध्ययन में मदद की है? कम से कम एक उत्तर चुने। ऑल ऑफ द अबव, प्रागैतिहासिक अध्ययन में सभी मदद किए हैं। जियोमॉर्फोलॉजी,
पैलियो बॉटनी, पॉलियो एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दी सेंट्रल कॉन्सर्न ऑफ पूर्व मीमांसा इज, पूर्व मीमांसा का केंद्रीय मुद्दा है। चंद्रा सिन्हा, आरती, राहुल, शताब्दी 28। पूर्व मीमांसा का केंद्रीय मुद्दा, टू अंडरस्टैंड धर्म, धर्म के समझना था, ऑप्शन सी। दी सेंट्रल कंसर्न ऑफ दी बीमैक साइट्स रिवील टेराकोटा मॉडल्स ऑफ हॉर्स, शील्ड्स, एक्सेस एंड एडजेस। दी फुल फॉर्म ऑफ BMAC कल्चर इज, BMAC साइटें घोरों, मुहरों, कुल्हारियों और एड़ियों के टेराकोटा मॉडल को प्रकट करती है। BMAC संस्कृतिक फुल फॉर्म। बैक्टीरिया मर्गीना, मर्गियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द ऋग्वेद रेफरेंस टू दी पंचजन, दी फाइव पीपुल्स इज टू पंचजन, पांच लोगों के लिए ऋग्वेद का संदर्भ है पंचजन। ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन सा, सुमित कुमार का आंसर आ गया, सही है, निधि का भी सही है। ऑप्शन ए यादू, तुर्भाषा, अनु, ध्रुयु, दीपुरु, भारता, ऑप्शन ए। दी ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज डिसाइफर्ड बाय, ब्राह्मी लिपि का दधांश उद्यांश होने से उच्चारण किया गया। जेम्स प्रिंसेप, सही है निधि का। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ही था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वन हु हैड नॉट अंडरगोन दी राइट ऑफ उपनयन वाज नोन एज, इसका हो जाएगा पति तासा वितरिकार, ऑप्शन सी। किंग्स हु ऑफर्ड सपोर्ट टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड, जिन राजाओं ने बौद्ध भिक्षुओं और संस्थाओं को सहायता की पेशकश की उनमें शामिल है। कनिष्क और हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन
नेक्स्ट 16 पावरफुल स्टेट्स और 16 महाजनपद आर नोन टू हैव फ्लरिस्ट इन दी 16 शक्तिशाली राज्यों या 16 महाजनपद में पनपने के लिए जाना जाता है। निधि का आंसर आ गया सही है अर्ली 6th century BC ऑप्शन ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कैन बी नंबर्ड अमंग द 8 एंथोलॉजीज ऑफ अर्ली तमिल पोएट्री चूज एटलीस्ट वन आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रारंभिक तमिल कविता के 8 मानव शास्त्रों में गिना जा सकता है कम से कम एक उत्तर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 5। नेक्स्ट स्टोरीज दैट वेयर यूज टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट बुद्धिज्म इंक्लूडेड बौद्ध धर्म के बारे में विचारों को फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कहानियां। बौद्ध धर्म के विचार को फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कहानी था कौन कौन? एक तो जातक था और एक था मनी मैकलाय 1, 3 यानी डी ऑप्शन ऑप्शन डी मनी मैकलाय जातक ऑप्शन डी। साउथ ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन द संगम एज 3 किंगडम एरोज पॉइंट दी ऑड वन आउट संगम युग में दक्कन के पठार के दक्षिण में 3 राज उत्पन्न हुए विचित्र को इंगित करें मतलब ऑड वन आउट। इस क्वेश्चन को मैप से समझना आसान होता। अब आगे से हम मैं जिस क्वेश्चन में जरूरत होगा उसमें हम मैप को अटैच करके बता देंगे कैसे अलग है। अब यहाँ तो बताना मुश्किल है मैपिंग से ये क्वेश्चन है। चोला अलग है तीनों में पल्लव पांड्या चेरा में चोल 37 के आरती निधि दोनों का सही है। Which of the following place has not yielded the remains of a stoop? निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्तूप के अवशेष नहीं मिले हैं? राम जी का शेक्सपियर इन लोग का सबका सही आंसर है पाटलिपुत्र में बाकी सांची सारनाथ और भरूच सब जगह स्तूप मिला है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द स्तूप स्तूप का कोई घटक नहीं है निम्न में से कौन? स्तूप का जो घटक है वो अंडा है सोपाना है
छत्रा है लेकिन पीठा नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। द मौर्यन इम्पेरर अशोका कॉल्ड द इरेक्शन ऑफ वेरियस धर्मशास्त्र सभा धर्मस्तंभ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन देम। मौर्य सम्राट अशोक विभिन्न धर्म स्तंभों के निर्माण का कारण बना, निम्नलिखित में से कौन सा उन पर चित्रित नहीं किया गया था? आज इतने ही तक हम लोग क्लास स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन तो तैयार है लेकिन आज यहीं पर छोड़ते हैं। कल से बिहार दरोगा का सेट इसी टाइम से आएगा, बिहार दरोगा का, और हम लोग का ये जो हिस्ट्री का रिवीजन क्वेश्चन वाला है इसका टाइमिंग स्लॉट निकालेंगे, आगे देखेंगे। मैक्सिमम लोग जो टाइमिंग बताएंगे उस टाइमिंग में इसका आंसर आप लोग बता दिए हैं, बुद्धा ऑप्शन ए। शाम में जो हम लोग का टेस्ट चल रहा था वो तो लगातार एज इट इज चलेगा ही, शाम में मिलते हैं। थैंक यू।